अब तक हमने संख्या रेखा पर संख्याओं को के निकटतम मानों को हमने क्या किया, संख्या रेखा पर देखा कि कौन सी संख्या कौन सी किसके निकट है ना। अब योगफल का आकलन करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे अब योगफल है ना, योगफल कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उदाहरण दिया हुआ है, एक थैली में 63 सिक्के और दूसरी थैली में 39 सिक्के हैं। इन दोनों थैलियों के सिक्कों को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल सिक्कों की संख्या का आकलन करो। 63 सिक्के और 39 सिक्के हैं एक थैली में, उन दोनों सिक्कों को अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या होगा उनका योगफल, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 63 और 39 का आकलन करने से पहले 63 और 39 का दहाई के निकटतम मान ज्ञात करते हैं तथा उन्हें जोड़ते हैं। जैसे दहाई और इकाई दहाई के निकटतम मान हमने निकाले हैं, वैसे ही 63 और 39 के हमें क्या करना है, दहाई के निकटतम मान हमें ज्ञात करने हैं। एक टेबल बनाकर संख्या को लिखना है और दहाई के निकटतम मान को लिखना है। संख्या कौन कौन सी थी, 63 और 39, तो 63 का सबसे निकटतम क्या होगा, 60। संख्या रेखा पर हम देखेंगे तो 50 और 60 और 70 है ना, तो 60 और 70 के बीच में आएगा क्या, 63 यहाँ पे आएगा, तो 63 किसके ज़्यादा नज़दीक हुआ, निकटतम 60 के। वैसे ही 40 के निकटतम होगा क्या, 39। संख्या रेखा पर 30 के बाद आएगा क्या, 39 यहाँ पे आएगा है ना, 39, तो 39 किसके निकटतम हुआ, 40 के। वैसे ही दहाई के निकटतम मान हमें निकालने हैं, क्या मिले हमें, 60 और 40। अब इन दोनों का योग करते हैं, 60 को 40 से जोड़ने पर क्या आएगा, 0 का 0 आया, 6 + 4 = 10, तो कितना आया, 100 आया। अब वास्तविक योग देखते हैं, ये आकलित योग था, मतलब कि ये इमेज अंदाजे में हमने जोड़ा किससे को, 60 और 40 को, क्योंकि 60 और 40 क्या है, 63 और 39 का निकटतम मान है। अब वास्तविक योग देखते हैं किसका, 63 और 39 का, तो 9 + 3 = 12, 12 के 2 हासिल में आई 1, 6, 1, 7, 8, 9, 10 कितना आया, 102। इस प्रकार दोनों थैलियों के सिक्कों को एक साथ मिलाने पर लगभग 100 सिक्के प्राप्त होने चाहिए, ये आकलित योग है। इस प्रकार आकलित संख्या 100 और वास्तविक संख्या 102 में केवल 2 का अंतर है, इन दोनों में सिर्फ 2 का अंतर है, आकलित में 100 आया है और वास्तविक में 102 आया है, तो सिर्फ 2 का अंतर आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक पेटी में 375 आम रखे हुए हैं और दूसरी पेटी में 216 आम रखे हैं, दोनों पेटियों के आमों की कुल संख्या ज्ञात करना है। वैसे ही इस बार फिर से क्या करना है, हमें आकलित योग ज्ञात करना है, किसका, दहाई के निकटतम मानों का, इन दोनों के दहाई के निकटतम मानों का आकलित योग कहले ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आकलित योग के बाद वास्तविक योग देखेंगे है ना। तो 378 + 216 का आकलन करने से पहले 378 + 216 का सैकड़े के निकटतम, क्योंकि इसमें सैकड़ा दिया, क्या संख्या है, सैकड़े में इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए इसके सैकड़े के निकटतम मान हमें ज्ञात करना है तथा उन्हें जोड़ना है। तो संख्या दी हुई है टेबल में क्या, 378 + 216, सैकड़े का निकटतम मान क्या होगा, 378 किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हुआ, 400 के, और 216 किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हुआ, 200 के। तो हमें संख्या का निकटतम मान क्या मिला, 400 और 200 को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 का 0, 0 का 0, 4 + 2 = 6 क्या मिला हमें, आकलित योग 600। आकलित योग से क्या आया था, 600। अब हम देखते हैं वास्तविक योग करके, संख्या क्या थी, 378 और 216, तो 378 में 8 + 6 = 14, 14 × 4 हासिल में 1, 7 × 8 = 9 और 3 × 2 = 5 कितना आया, 594। आमों की आकलित संख्या कितनी मिली हमें, टोटल में 600, जो वास्तविक संख्या 394 के बहुत करीब है, 594 के
बहुत करीब है, सिर्फ कितने का अंतर है? 6 का। उदाहरण, एक कारखाने में 1789 महिलाएं और 1436 पुरुष काम करते हैं। कारखाने में काम करने वाले कुल मजदूरों की संख्या का आकलन करो। अब ये क्या आ गए, हज़ार में संख्या आ गई है ना, हज़ार के निकटता मान हमें निकालने हैं। तो इन दोनों का प्लस करके का आकलन करने के लिए हज़ार के निकटता मान ज्ञात करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। संख्या लिखी हुई है और हज़ार के निकटता मान लिखी हुई है। तो 1789 का निकटतम संख्या क्या हो गया, 2000। और 1436 का निकटतम मान क्या हो गया, 1000। तो इन दोनों के आकलित योग क्या होंगे, 1000 + 2000 = 3000 है ना। और वास्तविक योग क्या होगा, 1789 और 1436 का वास्तविक योग देखते हैं। 9 × 6 = 15, 15 × 5 हासिल में 1, 8 × 1 = 9, 10 × 11 = 12, 12 × 2 हासिल में 1, 7 × 1 = 8, 9 × 10 = 11, 12 × 2 हासिल में 1, 1, 2, 3, 3। तो 3225 क्या आया, 3225 वास्तविक आकलित में 3000, वास्तविक में 3225। अब देखते हैं क्या है ये कुल संख्या, कारखानों में महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या का आकलित योग क्या आया था, 3000, और वास्तविक योग क्या आया, 3225, जो कि वास्तविक संख्या के बहुत करीब है ना। आकलित संख्या जो है वास्तविक संख्या के बहुत करीब है। कितने का अंतर है, 225 का। दहाई के निकटतम मान लिखकर आकलित योगफल ज्ञात करो और वास्तविक योगफल भी ज्ञात करो। दहाई के निकटतम मान लिखकर, दो ठो संख्या दी हुई है क्या, दहाई के निकटतम मान निकालना है, 46 और 81, 96 और 15, 72 और 88, 34 और 65। हमें क्या करना है, पहले हमने जैसे पढ़ा था दहाई के निकटतम मान ज्ञात करना है पहले, फिर उनके आकलित योगफल ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद वास्तविक योगफल ज्ञात करके दोनों के बीच का अंतर हमें पता करना है। एक बना कर देखते हैं क्या है संख्या, पहले में 46 और 81 है ना, इन दोनों के संख्या लिख लेते हैं पहले, और दहाई के निकटतम मान देखते हैं। संख्या है 46, अब दहाई के निकटतम मान क्या होगी, 50। संख्या है 81, दहाई के निकटतम मान क्या होगी, 80। अब आकलित योग क्या होगा, पचास धन 80, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130। वास्तविक योग देखते हैं, संख्या क्या है 46 और 81, 40 और 41, 6, 1, 7। तो कितने का अंतर हुआ, ज़्यादा का अंतर नहीं है वास्तविक आकलित योग में और वास्तविक योग में, ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ कितने का अंतर है, 3 का। वैसे ही सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, वास्तविक और आकलित योग निकालना है और संख्याओं के बीच की अंतर देखना है। सैकड़े के निकटतम मान लिख कर आकलित योग ज्ञात करो और वास्तविक योग फल भी ज्ञात करो।
अब हमें सैकड़े संख्या की सैकड़ों में जो संख्या दी हुई है उसके निकटतम योगफल ज्ञात करना है और निकटतम संख्या पहले ज्ञात करनी है और आकलित योगफल ज्ञात करके उसके बाद वास्तविक संख्या का योगफल ज्ञात करके दोनों के बीच की में कितना फर्क है या जो भी है वास्तविक योगफल भी ज्ञात करना है ना। तो दी हुई संख्याओं में अब इस बार क्या है सैकड़े की संख्या सैकड़े के निकटतम मान ज्ञात करना है। पहली संख्या क्या दी हुई है चार सौ छत्तीस और पाँच सौ तीन सौ छप्पन चार सौ छत्तीस और तीन सौ छप्पन दो संख्या दी हुई है। अब इन संख्याओं के निकटतम मान देखते हैं सैकड़े के निकटतम मान देखते हैं। संख्या क्या क्या है चार सौ छत्तीस सैकड़े की निकटतम क्या होगी संख्या चार सौ और पाँच तीन सौ छप्पन दूसरी संख्या क्या है तीन सौ छप्पन सैकड़े की निकटतम मान क्या होगी चार सौ। अब इन दोनों का योग क्या हो गया आकलित और इन दोनों का योग होगा वास्तविक देखते हैं चार सौ धन चार सौ बराबर कितना हो गया आठ सौ और इन दोनों का योग देखते हैं चार सौ छत्तीस धन तीन सौ छप्पन छः छः बारह की दो हासिल में ही एक पाँच एक छः सात आठ नौ चार तीन सात कितना आया सात आठ सौ है वह आकलित संख्या और सात सौ बयानवे क्या आया वास्तविक योग आठ सौ आकलित और सात सौ बयानवे वास्तविक दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है कितना है सिर्फ आठ का अंतर है। वैसे ही बाकी सब संख्याओं का हमें आकलित और वास्तविक योग ज्ञात करना है। अब हज़ार के निकटतम मान लिख कर योगफल ज्ञात करो और वास्तविक और योगफल और भी ज्ञात करो। अब हमें हज़ार के निकटतम संख्या को ज्ञात लिखना है और वास्तविक और आकलित संख्या ढूंढना है और वास्तविक संख्या को भी योगफल ज्ञात करना है और आकलित संख्या का भी योगफल हमें ज्ञात करना है। संख्या क्या दी हुई है पहली संख्या चार सौ चार हज़ार तीन सौ साठ और पाँच हज़ार आठ सौ बारह तो संख्या पहले लिखते हैं और हजार के निकटतम मान देखते हैं। संख्या है चार हज़ार तीन सौ साठ पाँच हज़ार आठ सौ बारह तो हज़ार के निकटतम मान क्या होगी चार हज़ार चार हज़ार तीन सौ साठ के निकटतम मान क्या होगी चार हज़ार और पाँच हज़ार आठ सौ बारह के निकट हज़ार के निकटतम संख्या के मान क्या होगी छः हज़ार चार हज़ार धन छः हज़ार को हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आकलित योग छः चार दस इतना मिला हमें दस हज़ार है ना। अब वास्तविक योग देखते हैं चार हज़ार तीन सौ साठ धन पाँच हज़ार आठ सौ बारह ज़ीरो छः एक सात आठ नौ दस ग्यारह की एक हासिल में एक पाँच एक पाँच 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 एक चार एक पाँच एक और पाँच दस कितना आया दस हज़ार एक सौ सत्तर तो आकली संख्या है दस हज़ार और वास्तविक संख्या है दस हज़ार एक सौ सत्तर तो वास्तविक में दस हज़ार एक सौ सत्तर आया और आकलित में दस हज़ार आया दोनों के बीच में ज़्यादा का अंतर नहीं है कितना का अंतर है सिर्फ एक सौ सत्तर का।
अब जैसे हमने योगफल देखा वैसे ही हम अंतर देखेंगे नंबरों के बीच में अंतर, मतलब वास्तविक संख्या और आकलित संख्या के बीच में कितनी अंतर है उन्हें हमें देखना है। का आकलन करने से पहले दहाई के निकटतम और मान ज्ञात करते हैं, उन्हें घटाते हैं, है ना, घटाना देखेंगे। जोड़ना देख रहे थे अभी तक हम, अब घटाना देखेंगे और इसके बाद गुणा, उसके बाद फिर भागफल।